कलवा पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए 24 घंटे में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम रमेश उर्फ बाला श्यामलाल माली 28 साल है, जो कलवा के भास्कर नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इसने पुलिस के सामने अपना जुल्म भी कबूल कर लिया है कि इसी ने राहुल कुमार प्रजापति 27 साल की हत्या की है। आरोपी ने बताया कि किसी बात पर राहुल से इसका विवाद हो गया था तो राहुल ने इसे गाली दिया था और गाली इसे बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद इसने पत्थर से राहुल को मारा। पत्थर से मारने की वजह से राहुल बेहोश होकर गिर गया और इसने एक बोरी में राहुल को भर के पहाड़ से नीचे फेंक दिया। पहाड़ से नीचे गिरने की वजह से राहुल की मौत हो गई। पुलिस ने जब लाश बरामद की थी उस वक्त हत्या किसने की ये पता नहीं चल रहा था, मगर पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर लिया है। कलवा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई अशोक उत्तेकर ने इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। कलवा पुलिस स्टेशन में 2 तारीख को एक गुना हमारे यहाँ दर्ज किया गया था, 13/73/24 कलम 103 जो बीएनएस है उसके अंदर वो दाखिल किया था। थोड़ा डाउटफुल टाइप का वो बॉडी वहाँ पड़ा हुआ था, इसके लिए हम लोगों को जो उसके पिताजी ने कुछ शंकाएं हमारे पास व्यक्त की थी, तो उसमें हम लोगों ने वो गुना दाखिल किया तुरंत और हमारे सुपीरियर जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे पूछ के उनके मार्गदर्शन के अनुसार हम लोगों ने गुने का तपास मैंने खुद के हाथ में ले लिया। हमारी जो टीम है एक एपीएस यादव है, पीएसएस सांगवे है और उनके साथ की जो टीम है उसमें महाड़िक करके है और भी स्टाफ है, पीएफपीआई क्राइम साहब है, इनके अंडर हम लोगों ने इसका गुने का जो तपास हाथ में लिया था। पहले 3-4 दिन तो हम लोगों को हर एक उसके रिलेटिव्स, उसके दोस्त, उसके दुश्मन जो भी है जिनके जिनके साथ उसके कुछ हुआ था उनके सबके मोबाइल लिए थे, सबका एनालिसिस किया था, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। जो घटना घड़ी थी वो ऐसे हिल पे थी, बराबर है, उसमें जाने के लिए आने के लिए बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन सीसीटीवी में उधर जो एक दो सीसीटीवी उसमें वो जाने आने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह के रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक कुछ कुत्ते लोग भूख रहे थे, तो वो घटना वो टाइम पे हुई होगी ऐसे भी हम लोगों को लगा था। उसको किसी ने पार्सिक बोगदे के यहाँ किसी लड़के के साथ में खड़ा देखा था, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने सीसीटीवी देखा तो एक सीसीटीवी में 2 लोग ऊपर जाते हुए जो डोंगर है वहां जाते हुए दिखाई दिए थे। उसमें हम लोगों ने थोड़ा इनलार्ज करके वगैरह सब 2-3 लोगों के उनके दोस्त को, उसके जो मयत था उसके दोस्त को वगैरह पूछा, तो उसमें मालूम पड़ गया कि ये जो है वो मयत जो राहुल करके वही है और उसके साथ में जो लड़का है वो रमेश जिसको बाड़ा बोलते हैं वो है माली, बाड़ा माली माली है। और ये जो है इन लोगों ने हमारे जो टीम ने उनको उसको जो राजा रमेश माली है उसको लेके आने के बाद में उसके पास इन्वेस्टिगेशन हर तरह से करने के बाद में 2-3 घंटे के बाद में उसने कबूल किया कि मैंने ही हम लोग दारू पीने को बैठे थे उसमें हम लोगों का झगड़ा हो गया और झगड़े में वो अनशन बरक रहा था और उसका गुस्सा आके मैंने उसको रगड़ दिया था उसके सर पे लगा और उसके बाद में वो खून आ रहा था तो मैंने उसके मुंह पे एक जो गोनी रहती है प्लास्टिक की वो डाल दी थी और बाद में मैंने उसको मुंह दबा के उसके घुटने से उसको 2-3 बार मारा था और वो मारने के बाद में वो उसको मैंने नीचे डाल दिया था और उसके बाद में मैंने 3 बजे जाके वापस वो गोली निकाल के साइड में रखी और उसका देखा कि उसका सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन उसका सांस नहीं चल रहा था। उसके बाद में वो मैं निकल गया ऐसा वो उसका कहना था जो अभी मैंने बोल दिया आपको कि पीते पीते अनाप शनाप कुछ हो गया रिसेंटली, यानी बोलते तत्कालीन जो गुस्सा था उसमें उसने उसे मारा ऐसा प्रथम दर्शनी वो बोल रहे, लेकिन उसका मूल जो कारण है उसका भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर कितनी सीसीटीवी फुटेज आपने खंगाला है? हम लोगों ने कम से कम 8-10-20-21 सीसीटीवी हम लोगों ने देखे, लेकिन उसमें एक सीसीटीवी में उसका आना जाना जो ऊपर था वो दिखाई दिया था। और ये काम जो है हमारे महाड़िक करके जो है हवलदार उन्होंने उसका अंजाम दिया था। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ का रहने वाला आरोपी,
इसके पहले भी इसके ऊपर कोई ऐसे गुनाह रजिस्टर? नहीं, आरोपी के ऊपर कोई प्रीवियस ये नहीं है उसके ऊपर, लेकिन रहने को उसके बाजू वाले पिछले पिछले साइड में ही रहता है ऐसा वो कह रहा है। उसका वेरिफिकेशन हम लोग करने वाले है कल, तो उसके पीछे रहता था, वो उसको पहचानता था ऐसा उसका कहना है। फिलहाल तो एक ही आरोपी है, लेकिन उसके कहने के उपने तो उनका भी तो वही खुद ने किया ऐसा वो बोल रहे, लेकिन हम लोगों को ये भी ढूंढना है कि शायद उसने अकेले ने किया होगा क्या, ऊपर से टेकरी से उसे नीचे लाया होगा क्या, धकल दिया तो फिर वो कैसे हुआ होगा, ये सब इसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। कितनी तारीख तक पुलिस कस्टडी? उसको 10 तारीख तक पुलिस कस्टडी है। चार चार्जेस